सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। पसीना तो सभी को आता है और यह स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी भी है, लेकिन कई बार आप जान ही नहीं पाते कि ज़्यादा पसीने की आड़ में आपको और भी कई परेशानियां घेर लेती है। अगर आपको भी अत्यधिक पसीना आता है तो इसे हल्के में न ले, क्योंकि यह कई रोगों की तरफ इशारा करता है। इससे आपको कई सारी परेशानियां हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ज़्यादा पसीना हमारे शरीर के लिए किस तरह हानिकारक है। दिल से संबंधित परेशानी। जी हाँ, यदि आपको एक हद से ज़्यादा पसीना आता है तो यह दिल से संबंधित बीमारी की तरफ इशारा करता है। इससे आपको दिल का दौरा, हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा पसीने के साथ यदि स्किन में चिपचिपाहट और सीने में दर्द और बेचैनी सी है तो भी यह समस्या हो सकती है। इसीलिए इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। प्रेगनेंसी के समय में, जी हाँ, गर्भावस्था में किसी भी महिला के शरीर में अनेक तरीके के बदलाव आते हैं और साथ ही हार्मोन्स में भी परिवर्तन होता है। इस कारण से गर्भवती महिला को अत्यधिक पसीना आ सकता है, लेकिन यदि अधिक पसीने के साथ कुछ अलग तरीके के लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर चेक करवाएं। मेनोपॉज के समय में महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स के बदलाव के कारण और एक उम्र के बाद शरीर में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जिनमें से एक मेनोपॉज है। मेनोपॉज के दौरान या उससे पहले भी यदि अधिक पसीना आता है तो इसे अनदेखा ना करें और समय से डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं। बहुत अधिक पसीना मेनोपॉज का भी प्रारंभिक लक्षण है। ज़्यादा थकान के कारण। कभी कभी लोगों का अत्यधिक वजन होने के कारण और ज़्यादा थकान होने के कारण भी ज़्यादा पसीना आने की समस्या बढ़ जाती है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अपने खान पान को संतुलित रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम करने पर हमें घबराहट और थकान महसूस नहीं होती है। कैंसर की संभावना। जी हाँ, मौसम की वजह से अधिक पसीना आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सर्दी में भी गर्मी लगती है और ठंडे मौसम वाली जगहों में भी पसीना आता है तो यह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा कभी महसूस हो तो बिल्कुल देरी ना करें और समय से रहते इसका इलाज करवाएं। थायराइड होने की संभावना। जी हाँ, शरीर में अत्यधिक पसीना आना थायराइड का भी लक्षण हो सकता है। आजकल के समय में थायराइड की समस्या बहुत आम है। आमतौर पर इसमें आपका वजन अचानक से ही बढ़ जाता है और अचानक से ही घट जाता है। इन सभी लक्षणों के साथ यदि अत्यधिक पसीने की शिकायत है तो ऐसे में अपने शरीर की जाँच करवाएं और डॉक्टर से जरूर मिलें। हीट स्ट्रोक की समस्या। जी हाँ, हीट स्ट्रोक की परेशानी में शरीर में से अत्यधिक पसीना निकलता है और इस तरीके की परेशानियों का सामना ज़्यादातर गर्मियों में करना पड़ता है। यदि आप भी ऐसी किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो इससे बचाव के लिए भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हीट स्ट्रोक की समस्या की संभावना कम हो जाती है। खूब पानी पिए। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, अधिक मात्रा में पानी पीना लाभदायक होता ही है और जहाँ जिन लोगों को अधिक पसीना निकालने की शिकायत हो उन्हें तो पानी दुगनी मात्रा में पीना चाहिए। पसीना निकालने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसीलिए ऐसे में यदि आप 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और साथ ही पानी की कमी भी पूरी होगी। टमाटर जूस पिए। जी हाँ, यदि किसी के शरीर में पसीना अधिक मात्रा में बहता है तो इस समस्या से राहत पाने के लिए टमाटर का जूस नियमित रूप से पिए। टमाटर में शरीर में होने वाली पानी की कमी को दूर करने की क्षमता होती है, साथ ही पसीने की परेशानी से भी छुटकारा दिलाता है। नमक कम खाएं। जी हाँ, ज़्यादा नमक का सेवन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। नमक के अधिक सेवन से ज़्यादा पसीना आने की समस्या तो होती ही है और यह ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को भी पैदा कर सकता है। इसीलिए जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है वह नमक का कम सेवन करें। पौष्टिक भोजन खाएं। जी हाँ, जब आप संतुलित मात्रा में भोजन लेते हैं तो यह आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जिससे अधिक पसीना निकालने वाली समस्या में राहत मिलती है। संतुलित व पौष्टिक भोजन लेने से शरीर में ऊर्जा मिलने के साथ साथ यह अन्य बीमारियों से भी बचाव करता है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।